सही बात लेकिन है। वैसे जन्नत में जो मर्जी इंसान चाहेगा ना, एक साहब ने पूछा रसूलल्लाह, उसको उन्होंने कहा फार्मिंग का बहुत शौक था तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैं जन्नत में खेती बाड़ी कर सकूंगा, उन्होंने कहा यस तुम कर सकोगे। और कुछ लोगों को बड़ा पेट्स विल माय किटन बी इन जन्ना, एक और साहबी भी थे ना वो आया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ने कहा था कि घोड़ा उसको घोड़ों का बड़ा शौक था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास ना एक याकूत का घोड़ा होगा जिसके दो पर होंगे, तुम उस पर बैठ के वो तुम जहाँ चाहोगे वो तुम्हें ले जाएगा। अल्लाह ये जो आपका पहली बात था ना, इस पता कि जन्नत में एक शख्स जो फार्मर होगा ना वो अल्लाह से कहेगा यार मैंने फार्मिंग करनी है, करनी है जन्नत में वो कहेगा कि यार मतलब तो अल्लाह ताला उसको अपॉर्चुनिटी देंगे फार्मिंग की और वो करेगा और साथ ही सब कुछ राइप होगा, बड़ा सा उसका सारा कुछ हो जाएगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस रिलेट की ना तो वहां से किसी का रखती है ना, ये जो शख्स होगा ना या तो कुरैशियों में से होगा या अंसारों में से होगा, उनको शौक था दे वर द फार्मर्स। यार बिफोर वी कम टू एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ जन्ना फ्रॉम कुरान एंड हदीस, व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द नॉर्मल नोशन अबाउट जन्ना इन माइंड्स ऑफ पीपल दीस डेज? टेक्निकल क्वेश्चन है, लोगों के ज़हनों में जन्नत का तसव्वुर क्या है? हां आई थिंक बड़ा वेरी करता होगा डिपेंडिंग ऑन किसने कितना उसके बारे में पढ़ा हुआ है, बट एक जनरल अवाम को लगता है कि हम थोड़ा सा लाइट लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लाइट लेते हैं जन्ना, यू नो मे बी वी डोंट नो अबाउट जन्ना, यू नो व्हाट जन्ना इज, इमेजिन इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ यू नो स्विट्जरलैंड इज और आपने बस सुना है तो आपका शौक भी नहीं होगा विजिट करने का, बट व्हेन यू सी द वीडियोस यू नो स्विस एल्प्स और उसकी लेक्स और वो सब कुछ, देन यू गेट यार जाना है यहां जाना है, लोगों को बस है कि एक जन्ना है especially when never heard about it, never about जन्ना ना, तो the hadith you know कि जन्ना में वो चीजें हैं जो आप imagine नहीं कर सकते basically, so whatever you can imagine of beauty and good places it is not जन्ना। शेख मैं तो एक जन्ना से बात करता हूँ कि आप दुनिया के मतलब टेक्नोलॉजी को आप आज से 1000 साल आगे ले जाएं, ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई इस दुनिया में, टॉप ग्राफिक डिजाइनर उठा लें आप उनको एक्सपेंसिव यू नो एप्पल मैक्स मैक पता नहीं उसका मैक प्लस प्लस होगा जो भी होगा उनको आप दे दें एंड टेल देम विल पे ईच एंड एवरी वन ऑफ यू $100,000 अ डे डिजाइन जन्ना, जस्ट डिजाइन जन्ना जो सोच सकते हो और दे आर सुपर इमेजिनरी एंड क्रिएटिव पीपल, वो उसमें क्या कुछ उड़ना डाइव करना डॉल्फिन्स हर चीज क्रिएट करते हैं, नो लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, नो लिमिट्स इन टर्म्स टू डायमेंशंस एंड क्रिएटिविटी, बनाओ बनाओ जैसे वो एवेटार एक मूवी थी इस तरह की मुख्तलिफ, दे वुड क्रिएट अ मास्टरपीस हमारी यू नो डेफिनेटली, बट एंड यू गिव देम 1000 years ऑफ लाइफ by Allah subhanahu wa ta'ala, matlab Allah ki permission hai aapke paas hai, you get it after 1000 years we'll display on you know 4k 8k to kya 200k lcd screens theek hai, that never exists theek hai 100 saal baad shayad ho, okay, aur aap wo dekhoge aur puri duniya ko bulaya jaye aur dikhaya jaye unko puri duniya ko matlab wo cinemas mein dikhaya jaye, that is something Allah taala hadith mein kya aata hai a'adtu li ibadi as-salihin, maine apne nek bandon ke liye wo cheezein taiyar karke rakhi hain, किसी आंख ने देखी नहीं, वला उज़ुन समियत, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं, वला खतरा अला क़ल्बी बशर, किसी दिल ने इमेजिन नहीं किया। अच्छा ठीक है आंखों से हमने देखा नहीं, नो डाउट नहीं देखा, कानों सुना नहीं, बहुत सारी बातें सुनी है लेकिन कहाँ तक सुन सकते, लेकिन दिल की जो इमेजिनेशन होती है ना वो बहुत वास्ट होती है, you can imagine anything, I can imagine you know diving in the sea, swimming with dolphins and then you know flying with the birds, aur main phir rainbow pe slide kar raha hu aur kuch bhi nahi imagine, lekin Allah taala kehte hain wala khatra ala qalbi bashar, insaan ke dil mein na gumaan tak bhi nahi guzra jannat wo cheez hai, subhan actually main feel karta hu dekhe na Allah taala ne hame banaya hai theek hai, Allah taala hame humse zyada behtar jante hain, अल्लाह ताला ने हमें ना मुख्तलिफ तरीकों से समझाया, कभी जहन्नम जो है कभी जहन्नम के बारे में बता के और कभी अब देखिए जन्नत के बारे में जन्नत का तज़करा करके, और अमूमन हम ये फील करते हैं देखिए अगर हम बच्चों की बात करें ना, बच्चों पे हम अमूमन जब सख्ती ज़्यादा करते हैं ना तो वो भी एक ना ढिटाई आ जाती है, वो ना बच्चा ढीठ हो जाता है, लेकिन वही बच्चा आप उसको कोई रिवॉर्ड बताए ना कि बेटा तुम ये काम करोगे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और यकीन करें फिर वो बच्चा बड़ी खुशी से करता है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा यानी जो डर है ना यानी उनकी शख्सियत में डर ज़्यादा गालिब होता है, कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिन पे जो ना जो रिवॉर्ड की तरफ देखे वो ज़्यादा माइल होते हैं, रिवॉर्ड बेस्ड रिवॉर्ड बेस्ड हैं,
तो उनको ज्यादा देखिए, उनको जो जन्नत के बारे में जो तस्करा होता होगा ना, वो ज्यादा मोटिवेटेड जो है होते होंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने देखिए कितना बैलेंस जो है, इट्स ऑलवेज कैरेट एंड स्टिक। कुछ लोग पनिशमेंट से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग जैसे मैं ज्यादा शायद पनिशमेंट से नहीं होता है, मैं रिवॉर्ड ज्यादा होता हूं। Because I want to have fun, ठीक है? I want to live that kind of life, ठीक है? और वो जन्नत में जो imagine करता हूँ ना, आज का topic बहुत जबरदस्त है, to be very honest। क्योंकि इनको दुम्बे से करवा लो जो करा रहे हैं। मैं कहूँगा यार दुम्बे हैं, बस दुम्बे दे और barbecue दे रहे हैं यार। जो अल्लाह ताला ने describe भी किया हदीस में चीजें, वो भी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं ना अपने हार्ट में, उसकी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। तो वो तस्वीर भी सिर्फ हमारे लिए ही है बेसिकली, जन्नत इज नॉट दैट, समझाने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ कि वो ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज और वो जूल्स एंड पर्ल्स एंड रूबीज, वो सब सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें क्या बताएं। एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अफ्रीका के लोगों को स्नो एक्सप्लेन की, दे नेवर सॉ स्नो इन देयर होल लाइफ, ना फ्रिज थे उनके पास, ना कुछ था, यू नो वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो उन्हें एक्सप्लेन किया स्नो किस कलर की होगी, ठंडी होगी, कैसा होगा वो सारा। व्हेन दे टुक देम टू अ प्लेस वेयर देयर वाज स्नो एंड ग्रास एंड एवरीथिंग, दे कुडंट रिकॉग्नाइज व्हाट स्नो इज, जब तक उन्होंने विजुअलाइज नहीं किया और दिखाया नहीं। इस दुनिया ये रिसर्च की गई कैसे है? तो इस दुनिया की जब चीजें हम वो फैदम नहीं कर सकते, मतलब किसी आप ब्लाइंड बंदे को बताएं, किसी ब्लाइंड बंदे को बताएं कि मोर के पर का रंग क्या होता है, वो तो कलर्स को नहीं जान पाएगा, कलर्स की डिस्टिंक्शन क्या होती है, व्हाट इज, हाउ इज ग्रीन, जो बचपन से ब्लाइंड है, व्हाट इज ग्रीन, व्हाट इज पिंक। इसी तरह से हमारा सेम ही मामला, इमेजिन ही डजंट इवन नो कि इंसान दिखते कैसे हैं, उसे से टच है कि ये चीज कैसी है, बस यू नो पॉपिंग आउट है, लेकिन नाक है कैसा, क्या नाक है, क्या यहाँ की गोल सी तो है लेकिन किस तरह की है, व्हाइट और येलो, कैनॉट इमेजिन ना यार। आपको पता है हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह ताला जिससे बिनाई ले लेता है ना, उस पर वो सब्र करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत लिख दी है। यानी जो शख्स अंधा है और उस पर सब्र करता है, अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड उसके लिए जन्नत रखा, बस बातें नहीं आगे। अच्छा, कहने का मकसद ये, इतनी लिमिटेशंस के बावजूद अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से हमारे दीन ने हमें समझाया कि जन्नत इस तरह होगी, ताकि कुछ ना कुछ तो हमें अंदाजा हो जाए, हमें और रिलेटेबल एग्जांपल्स देकर समझाया ना, हमारे रिलेटेबल एग्जांपल्स देकर, ताकि ये चीजें समंदर, परिंदे, दूध, शहद की नहर, मतलब ये इसी समझाया ताकि हमें समझ आ जाए। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, जो अल्लाह ताला ने हमें समझाया ना, या तो ना आप ठंडे कमरे से ठंडे कमरे में जाओ, आपको इतना उसके ठंडक का फील नहीं होता, राइट? आपकी प्यास नहीं है, आप पानी पियो, आपको पानी का मजा तो आता है, लेकिन यू डोंट फील दैट मच यू नो लग्जरी इन ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, जब आपके पास अपने ऑलरेडी प्यास। इमेजिन आप सारा दिन 3-4 दिन से भूखे हैं और फिर आप पानी पीते हैं, या इमेजिन आपने पूरा दिन गर्मी में गुजारा, धूप में गुजारा, और फिर आप एसी वाले कमरे में आते हैं, उसकी जो क्या एक फील होती है ना, 50,000 साल की गर्माहट और दिन, और ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप लोग चेक कर ले जाके जी, तो ऐसा टाइम जिसमें गर्मी है और बेहद ऐसे हालात हैं जिसमें प्यास है, भूख है, आजमाइशें हैं, और उसके बाद इमेजिन जन्नत में जाना, मतलब आपने पानी नहीं पिया हुआ, आपको बहुत आजमाइशें हैं यहाँ पे, और वो जो आता है ना कि वसीक़ अल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि उनको ना एस्कॉर्ट करके लाइन में ले जाया जाएगा जन्नत की तरफ, हत्ता इज़ा जाऊहा वफूतिहत अबवाबुहा, जब तक उस पर पहुँच जाएंगे और उनके दरवाजे खोले जाएंगे जन्नत के, सबसे पहले आवाज़ क्या आएगी, सलामुन अलैकुम, पीस पीस पीस, सलामती हो तुम पे, अल्लाह अकबर, तिब तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम लोग पाक हो अब हमेशा हमेशा रहोगे इसमें। सो वो जो फीलिंग है ना कि अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सलामुन अलैकुम तिब तुम का मतलब क्या है, तिब तुम यू आर प्योर, तुम पाक हो, पाकिजगी जो है ना वो गुनाहों की पाकिजगी है यहाँ पे। यानी इसमें सलफ सालिन शरा में बताते हैं कि अगर आप एक गुनाह है और आपने दुनिया में आंसू बहा के उनको माफ ना करवाया तो फिर कब्र या मौत की सख्तियां आपके गुनाह धोएंगी, या तो आप आंसुओं से गुनाहों को माफ करवाएं तौबा इस्तिगफार करके, या कब्र की सख्तियां आपके गुनाहों को। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ना इंसान को जन्नत में जो भी शख्स जाएगा ना, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके साथ ना एक बैगेज हो गुनाहों का। यानी जो भी हम गुनाह इस दुनिया में करते हैं ना, वो गुनाह हमसे धुलेंगे ही धुलेंगे। अब आपने डिसाइड करना है भाई कि आप कैसे वो धुलवाते हो गुनाह, या तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के धुलवा लो, या फिर सख्तियां तो जिंदगी में आएंगी उससे धुलेंगे, या फिर आखिरत में अजाब मिलेगा उससे, या मौत की सख्तियां ना धुले तो फिर कब्र का अजाब। हाँ,
अगर कब्र के अजाब ने ना धोया तो फिर क्यामत के दिन का अजाब और टॉर्चर, और अगर क्यामत के दिन के अजाब ने भी ना धोया तो फिर जहन्नम का अजाब। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ गुनाह भी हैं और वो आप इस तरह ही चले जाएं आखिरत में और कामयाब हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो हमें समझना ये है कि इतनी कुछ जो इंसान दुनिया में मुशक्क़तें झेलता है, जो मुसीबतें आती हैं, तो आफ्टर यू नो गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज डिफिकल्टीज जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो एक जन्नत है, और हम जन्नत के बारे में, उस जन्नत के बारे में इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। अब देखें ना, वो जो आयत कुरान मजीद की है कि जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और यहाँ पे हमें जो है ना एक वो स्ट्राइकिंग बैलेंस बता दिया गया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अगर तुम कहते हो ना कि जीत किसकी होती है, यानी जीत तुम किसे कहते हो, हु इज़ द विनर, वही बंदा होगा जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल होगा। एग्जैक्टली, यानी ये हम जो ये कर रहे हैं सुभान अल्लाह जन्नत में जाने के लिए कर रहे हैं, और जन्नत में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें रखी हुई हैं सुभान अल्लाह। और वाकईतन हमें मैं अगर अपने आप से भी पूछूं, बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली पता है कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा क्या है, व्हाट इज द रिवॉर्ड। सो लेट्स गेट टू इट, लेट्स गेट